राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आलाकमान से माफी पर विपक्ष हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से सीएम अशोक गहलोत का अपमान नहीं हुआ, बल्कि गहलोत ने आलाकमान से माफी मांगकर प्रदेश की 8 करोड़ जनता का अपमान किया। उन्हें जनता के बीच रहने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि सरकार अगले चुनाव की घोषणा कर दे, जिससे जनता किसके पक्ष में है इसका भी फैसला हो जाएगा। अब वो तो सरेंडर हो गए तो चलेगा, लेकिन जिन्होंने उनके इशारे पर आमना सामना किया उनकी क्या दुर्गति होगी उसके बारे में जवाब कौन देगा। और राजस्थान की सरकार आज अल्पमत में आ गई, ये सब जग जाहिर है। अल्पमत में आ गई तो इसी सरकार को रहने के लिए कोई अधिकार नहीं है। अच्छा है कि नए चुनाव के लिए स्वयं ही घोषणा कर दे कि हम नए चुनाव का मैंडेट देंगे और उसके बाद जो भी सरकार बनेगी बनेगी। तो वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सौर कृषि आजीविका योजना की मंजूरी दे दी है। इस योजना के लागू होने के बाद किसानों को अपनी अनुपयोगी और बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता मिलेगी। किसान अपनी जमीन और ऊर्जा संयंत्र के लिए लीज पर देकर आजीविका कमा सकते हैं। योजना के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया। सौर कृषि आजीविका योजना से विकासकर्ता भी संयंत्र स्थापित करने के लिए सुगमता से पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्रीय अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। और इस बीच जयपुर मेट्रो की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है। त्योहारी सीजन में जयपुर मेट्रो ने दी यात्रियों को राहत, 1 से 31 अक्टूबर तक बढ़ाया संचालन समय और फेरे। आज से दिन में 178 फेरों के बजाय 182 फेरे करेगी मेट्रो। जयपुर मेट्रो पहली ट्रेन सुबह 6:20 यात्रियों को मिलेगी। मानसरोवर बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर मिलेगी पहली मेट्रो ट्रेन। आखिरी मेट्रो ट्रेन दोनों ओर से रात 10 रवाना होगी। और जयपुर से खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री स्टेट हैंगर के लिए हुए रवाना। बता दें कि सीएम 3 जिलों के दौरे पर हैं। सीएम गहलोत का बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का दौरा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में सीएम गहलोत शिरकत करेंगे। और झुंझुनू के गुड़ा गौरजी से बड़ी खबर सामने आ रही है। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके के परसरामपुरा गांव से युवक का अपहरण करके उसे गुड़ा गौरजी थाना इलाके में सिंगनौर गांव में पेड़ से बांधकर मारपीट करने का मामला सामने आया। गंभीर हालत में घायल युवक को इलाज के लिए गुड़ा गौरजी से जयपुर रेफर किया गया। जानकारी मिल रही है कि परसरामपुरा निवासी युवक नरेंद्र ने आरोप लगाया कि उसके गाँव पड़ोसी गांव पुजारी की ढाणी और सिग्नोर के कुछ युवकों ने कल दोपहर को उसका अपहरण कर लिया। पहले तो सभी आरोपी उसे नवलगढ़ लेकर गए, जहां उसे जबरदस्ती शराब पिला गई। इसके बाद गाड़ी में ही मारपीट करते हुए उसे सिग्नोर गांव लेकर आए, जहां पर उसे एक पेड़ से बांधकर करीब 5 तक लाठियां, लोहे की पाइप और बेल्ट से जमकर मारपीट की। गुड़ा गौरजी पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर एएसआई कैलाश चंद्र और कांस्टेबल सुनील मौके पर पहुंचे, जिन्होंने युवक को आरोपियों से छुड़ाया। मौके पर पुलिस ने सिग्नोर निवासी 3 युवकों को हिरासत में भी ले लिया है। फिलहाल आपको बता दें कि युवक का जयपुर में इलाज जारी है, जिसकी हालत चिंताजनक बनी है। मुकेश गई तो वैसा कभी दो तीन सौ तारा क्या बन रहा है ना? क्यों मैं तो पानी खोल के